Hi friends, welcome back to the Ritz Kitchen. Today I am making hot dog recipe मेरे style में. तो चलो start करते हैं healthy and easy recipe के साथ. सबसे पहले flame को on करेंगे और pan को गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 tablespoon देसी घी और साथ में add करेंगे थोड़ा सा butter. इसको देसी घी के साथ ही मेल्ट करेंगे ताकि ये जले नहीं. इसमें डालेंगे 1 टीस्पून जीरा एंड 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट और 1 टीस्पून जिंजर पेस्ट और इनको रोस्ट करेंगे. अब ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है. यहाँ पर मैंने 2 कटे हुए अनियन डाले हैं, इसको भी हल्का हल्का रोस्ट करेंगे, थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन करेंगे. साथ में डालेंगे ग्रीन चिली चॉप की हुई. तो यहाँ पर मैंने 1 से 2 ग्रीन चिली ली हैं, इनको भी रोस्ट करेंगे अनियन के साथ. अनियन थोड़े से क्रिस्पी हो चुके हैं. अब हम इसमें डालेंगे 2 चॉप किए हुए टमाटर, इनको हमने फाइनली चॉप किया है, और अच्छे से मिक्स कर देंगे अनियन के साथ और सॉफ्ट होने तक पकाएंगे. अब ये टमाटर जो हैं थोड़े से सॉफ्ट हो चुके हैं. इस स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे कटे हुए शिमला मिर्च. शिमला मिर्च को हम ज़्यादा पकाएंगे नहीं. देखिए इसका कलर और डार्क हो गया है शिमला मिर्च का. अब हम इस स्टेज पर डालेंगे ड्राई मसाले. जैसे मैंने यहाँ पर लिया है हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, 1 टीस्पून सॉल्ट एंड 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर एंड 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर. इन सब मसालों को हम इसमें ऐड करेंगे. अब हम इन मसालों को भी मिक्स करेंगे और 30 सेकेंड तक रोस्ट करेंगे. ये मसाले भी रोस्ट हो चुके हैं. इस स्टेज पर हम डालेंगे पनीर कटा हुआ. देखिए मैंने क्यूब्स में कट किया है, इसको भी ऐड कर देंगे और अगेन सबको मिक्स कर देंगे. और बहुत ही सॉफ्टली मिक्स करना है. इसको हमने 2-3 मिनट रोस्ट कर लिया है. अब हम इसके ऊपर डालेंगे टमाटो केचप, 2 टीस्पून टमाटो केचप, और साथ में ऐड करेंगे रेड चिली पेस्ट. चिली को आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं कम या ज्यादा, और इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे. और ये हमारा चिली पनीर रेडी हो चुका है. अब हम बनाएंगे इसका हॉट डॉग और फ्लेम को कर देंगे ऑफ. अब हम इसको सर्विंग बाउल में डाल देंगे. और अगर आप चाहें तो इसको आप एज इट इज परांठे के साथ, नान के साथ सर्व करें. बहुत यमी डिश है, क्विक रेसिपी है, जब मर्जी आप बनाएं. बट आज हम इसका बनाएंगे हॉट डॉग और ऊपर स्प्रेड कर देंगे धनिया कटा हुआ. अब मैंने यहाँ पर लिए हैं हॉट डॉग, ये मार्केट में इजीली मिल जाता है, ये देखिए इस शेप का. अब हम इसको कैसे कट करेंगे आइए देखिए. इसको हमने हल्का सा ब्रेड कटर से हाफ कट करना है, लाइक दिस सेंटर से, क्योंकि जब हम इसको फिल करेंगे तो ये ब्रेक हो जाएगा. इस तरह से हमने सेंटर का पोर्शन रिमूव कर देना है, ये देखेंगे. अब हमने दोनों को इस तरह से कट कर लिया है, तो ये देखिए इक्वली स्पेस है अंदर. और मैं यहाँ पर ले रही हूँ चीज़ को हम अंदर लेयर में लगा देंगे. तो इस चीज़ को मैंने अंदर फिल कर दिया है. अब हम इसमें डालेंगे ये जो स्टफिंग हमने बनाई है, इसको हम इसमें फिल कर देंगे प्रॉपर. इस तरह से हम पूरे को फिल कर देंगे अच्छे से और इसको प्रेस कर देंगे.
इसी तरह से हम दूसरे को भी फिल करेंगे। अब हमने इन दोनों को फिल कर दिया है। अब हम इसके ऊपर अगेन डालेंगे चीज़। तो इसी तरह से पूरे को हमने फिल कर दिया। अब हम इसको कन्वेक्शन मोड पर 180 डिग्री में हम ऑन करेंगे 15 मिनट्स और स्टार्ट कर देंगे। अब मैं इसमें बटर लूँगी और इसको हमने मेल्ट कर दिया है, ऑलरेडी मेल्ट हो चुका है। और इसमें डालेंगे थोड़े से मिक्स हर्ब्स, ऑरिगेनोस, और इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हम इसके ऊपर कोटिंग करेंगे। ये देखिए, इसी तरह से दूसरे को भी हम कोट कर देंगे। और अब मैं इसके ऊपर ग्रेटेड चीज़ भी थोड़ा सा ऐड करूंगी। और अब चलते हैं बेकिंग की ओर। तो माइक्रोवेव में हमने प्री हीट कर दिया है, अब हम इसको बेक करेंगे और हॉट डॉग तैयार करेंगे। और अब इसको बेक करेंगे 15 मिनट्स के लिए। तो यहाँ पर मैंने प्री हीट कर दिया था, अब ये 15 मिनट बाद हम बेक करके देखेंगे। तो अब ये हॉट डॉग बिल्कुल रेडी है। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे मेयोनीज। और साथ में डालेंगे टमाटो केचप। और अब ये हमारे वेज हॉट डॉग रेडी हो चुके हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द रेड्स किचन। वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।